मियां साहब सारे डिविजन्स खोल के बैठे थे, तो मियां साहब ने को बार बार कहा गया यहां से आगाज कर लें, यहां से आगाज कर लें। मियां साहब ने कहा नहीं, आगाज बहावलपुर से होगा। इससे पहले कि मैं आपसे अपनी बात शुरू करूं, हम सब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले दहशतगर्द हमले में जो इतनी कीमती जाने जाया हो गई, शहीद हो गए लोग, हम उन सब के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके खानदानों को सुकून और सब्र अता फरमाए, और अल्लाह ताला एक बार फिर से पाकिस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। ये जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान यहां पर आए, मुझे बहुत खुशी आपको देखकर। और मैं ये बताऊं नौजवानों, मेरी नौजवान यहां बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, मुझे जितनी खुशी आपको देख के हो रही है ना, आप इंशाअल्लाह ताला मेरा हरावल दस्ता होंगे मेरी इस मुहिम के अंदर, और मेरी पूरी तवज्जो होगी के मुस्लिम लीग नून के लिए नौजवानों के विंग को, खवातीन के विंग को एक नई तश्कील दूं इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं, मेरे ओहदे की बड़ी बात हो रही है, कोई कहता है चीफ ऑर्गेनाइजर, कोई कहता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये ओहदे तो मुझे अभी एक दो हफ्ते पहले मिले। जब से आपने मुझे मोहब्बत और शफकत देना शुरू की है, मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं हूं, अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। मैं तो इन ओहदों के बगैर भी आपके शाना बशाना थी और आप मेरे शाना बशाना थे। जिस तरह बहावलपुर वालों, जिस तरह आप लोगों ने, कारकुनों ने, खवातीन ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, जिस तरह बुरे वक्त में नवाज शरीफ और मरियम नवाज और जमात का साथ दिया, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करती हूं। शुक्रिया। जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, आप तब भी अल्लाह ताला के बाद मेरी सबसे बड़ी ताकत थे, आज भी अल्लाह ताला के बाद आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। और वो जिसको कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मौरूसियत मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं।